वक्त ठीक रात के 12 बजे हैं। आप लोगों के लिए सरप्राइज है, कल वैलेंटाइंस डे को सुबह 6 बजे से लेकर अगले दिन शाम 6 बजे तक यानी कि 36 घंटों के लिए हमारी आरजे मीरा मैराथन वैलेंटाइंस डे स्पेशल प्रोग्राम करने वाली है। वेरी रोमांटिक, वेरी स्पेशल, और रेडियो के इतिहास में पहली बार ऐसा प्रोग्राम होने वाला है। सो गाइज डोंट मिस दिस, तो बने रहिए हमारे साथ क्योंकि यहाँ है मोर लव मोर मैजिक। All the best. Hello Hyderabad, this is Meera. Welcome to Magic 100. More love, more magic. Love, love, love. Yes. इस प्रोग्राम में मैं सिर्फ इसी विषय के बारे में बात करूंगी. Be ready. Valentine's Day, here we come. इस दुनिया में हमें कभी अपना प्यार मिलता है और कभी हमें नहीं मिलता है. ये कब किसे मिलता है और किसे नहीं मिलता है ये हम नहीं जानते. मैं तो नहीं जानती. मैं ऐसी सिचुएशन में हूँ जहाँ मुझे नहीं पता मेरा प्यार मुझे मिलेगा या नहीं. So let's go. Join me on this non-stop journey on Magic 100. आप लोग सोच रहे होंगे कि लव स्टोरीज और रेलवे स्टेशन के बीच क्या संबंध है. मैं आपको बताती हूँ. रेलवे स्टेशन में और रेल के सफर में सभी लव स्टोरीज शुरू होती हैं और खत्म भी होती हैं. लेकिन उस लव स्टोरी में स्माइल करना है या आंसू बहाने हैं, इसका फैसला सिर्फ एक ही चीज करती है, वो है डेस्टिनी. जी हाँ, मैंने हमेशा डेस्टिनी पर भरोसा किया है, लेकिन मेरी जिंदगी में एक ऐसे इंसान ने दस्तक दी जो डेस्टिनी को नहीं मानता. थैंक यू, लेकिन आपकी फ्लाइट मिस हो गई. मिस द फ्लाइट. क्यों बेटा वरुण, क्या हुआ? अभी तक फ्लाइट में नहीं बैठे? वही तो, सिक्योरिटी ने कहा तुम्हारे लिए अलग अलग खाने की चीजें लाऊंगा तो ही फ्लाइट में बैठने देंगे. अब तो खुश हो ना? ठीक है, चलो आ जाओ. हाय हाय, आई एम प्रकाश. एक स्मॉल क्वेश्चन. मेरे पिताजी ने जैसा चाहा, मैंने इंजीनियरिंग खत्म की, उसके बाद एक और कोर्स कंप्लीट किया, नौकरी के लिए बहुत कंपनीज में घूमा, फेक एक्सपीरियंस दिखाया, बैकडोर नॉक किया, बहुत सारे मंदिरों में प्रे भी किया, राहु काल की दशा को ठंडा किया, इतने सारे पैंतरे आजमाने के बाद भी अब तक मुझे US का वीजा नहीं मिला. आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, अगर मेरे नसीब में होता तो आज ये सारा सामान मैं ले जा रहा होता. ए, खाने को घूरना बंद कर और जाके ये रख दे. सुनो, यहाँ आओ, मैं सेल्फी yes, ले रही हूँ. सेल्फी. आजा आजा. एंगल मैं सेट करता हूँ. हाँ. अरे जरा रुक यार, अभी राहुकाल चल रहा है. सेल्फी के लिए भी राहुकाल देखता है क्या? तू चुप रहे. कॉलेज में रोज डीपी चेंज करने के लिए प्रकाश सेल्फी लेता था. अब बताओ कल्याणी, कॉलेज स्टूडेंट्स को डीपी की क्या जरूरत है? ये डीपी नहीं है मेरे बाप, ये स्टेटस अपडेट है. ओ बाप रे बाप, क्लिक करो.
हे शनिदेव, हमारी रक्षा करना। ये तेरे शनिदेव रहते कहाँ पर है? मेरे दिल में है, इसीलिए तेरे पे साढ़े साथ ही हमेशा रहती है। दिल में शनि और दिमाग में कल्याणी। तुम कुछ भूल गई हो? नहीं, कुछ नहीं भूली। चकली रख दी, लड्डू भी रख दिए, अचार भी और नारियल के लड्डू। पासपोर्ट कल्याणी, व्हाट इज दिस? ओह सॉरी, कम ऑन, जल्दी आ जाओ कल्याणी। अरे आ गई। चलो चलो चलो, इसमें डाल दो। लाओ डालती हूँ। पूजा के समय मैंने इसे घर के मंदिर में रख दिया था, सॉरी। कोई बात नहीं, चलो बाय। वरुण, मेरा बच्चा, जाते वक्त ऐसा आप कुछ अच्छा नहीं है। एक मिनट बैठ कर जा। क्या कह रही हो तुम? एक मिनट बैठो तो सही, बताती हूँ। फ्लाइट का टाइम हो गया, अब तक आया नहीं है। इसके आते आते तो इंडिया में बुलेट ट्रेन आ जाएगी। ये बात भी शनिदेव ने तुझे बताई? अबे शनिदेव का मजाक मत उड़ा, वक्र दृष्टि डाल देंगे। बहुत लेट हो रहा है। ये लो इसे पियो। अब ये क्या है? कोई प्रॉब्लम नहीं हो इसीलिए इसे पियो। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत बहस करते हो, इसे पियो। मुझे प्यास नहीं लगी है। ये पानी मुझसे ज्यादा इन पौधों को चाहिए। ओके, लेट्स गो। तुम मेरी बात कभी नहीं समझोगे। सेम फीलिंग, चलो। जय शनि शिवराय। ए कल्याणी, लेट हो जाएगा यार, जल्दी चलाओ ना। ठीक है ठीक है। वैसे गाड़ी ज्यादा तेज चलाने की जरूरत नहीं है, अभी टाइम बाकी है ना। ठीक है, थोड़ा स्पीड बढ़ा। हाँ, और थोड़ा। स्पीड बढ़ाऊंगी तो सब डर जाएंगे। हाँ ठीक है ठीक है। लव साइन, ये मेरी बुक है। ए, प्रकाश जरा बाहर आ। बेटा बुक दे दो ना मुझे। देखा तूने, लव साइंस का बुक है। हे प्यार के देवता, तुझे और कोई काम नहीं है क्या? दिस इज लिटिल मच, टू मच कल्याणी। तुम्हें नहीं पढ़ना तो मत पढ़ो। तुम्हें अपनी पसंद की लड़की चाहिए तो इस बुक को तुम जरूर पढ़ना। अरे माता कल्याणी जी, प्लीज आप फिक्र मत कीजिए, मैं पढ़ लूंगा। ओके बाय बाय बाय। चल चल, उसे जरूर पढ़ेगा। बाय। हे, टू कॉफीज राइट? हाँ। और कुछ चाहिए तो बता दो। कॉफी ले आओ। थैंक यू। थैंक यू। टू कॉफीज प्लीज। चेंज आकर लेती हूँ। अगर शनि की साढ़े साथी के बारे में कहा जाए तो। आई एम सो सॉरी सॉरी सॉरी। अरे साढ़े साथी टल गई। बकवास बंद कर। अरे ये तो अच्छा शगुन है। अब कोई ग्रह तेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। इसे जल्दी पकड़ो, मैं चेंज लेकर वापस आती हूँ। ठीक है, जल्दी से आ जाओ। मेरा चेंज ये लीजिए। थैंक्स मैडम। हाँ, ये बुक। ये बुक मेरी नहीं है, किसी और की है। हे मीरा, कम फास्ट, जल्दी आओ, ट्रेन छूट जाएगी। आपकी फ्रेंड आपको बुला रही है। आ रही हूँ। कब जल्दी चढ़ो। केयरफुल केयरफुल। एक्सक्यूज मी। यस। ये किसी की बुक टी स्टॉल में रह गई थी, आप प्लीज उसे ढूंढ कर दे दीजिए। थैंक्स। मुझे और कोई काम नहीं है क्या? उस किताब के बारे में मैं भूल चुकी थी, लेकिन डेस्टिनी का कोई और प्लान था। चला जा। आप डेस्टिनी डेस्टिनी बोलती रहती हैं, पर ये डेस्टिनी है क्या? इसका जवाब आपको जल्दी मिल जाएगा। मोबाइल उठाइए और फोन कीजिए। वो किस्मत है, लक, नसीब, ईश्वर की मर्जी। मैं फूल बेचता हूँ, इसे भगवान पर भी चढ़ाया जाता है और अगर आप चाहें तो मुर्दे पर भी रख सकते हैं। वाओ, परफेक्ट, आपने बिल्कुल सही कहा। सिर्फ फूल ही नहीं, वो एक बुक भी हो सकती है। कब, किधर, किसको मिल जाए, ये सब डेस्टिनी ही तो डिसाइड करती है। कभी कभी जिंदगी में आप कोई चीज छोड़कर चले जाते हैं और फिर एक मैजिक होता है और वो चीज आपके पास वापस आ जाती है, भले ही वो चीज कोई भी ले ले। और उसे किधर भी ले जाए, वो चीज किसी न किसी तरह फिर से आपके हाथ लगेगी या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। ये क्या है? अरे देखो इधर, किताब कब पढ़ रहे हैं? और दो किताब रखो। अरे चाचा, मेरे पास इतना होता तो नहीं देता क्या? अरे भाई तुम ही इसे समझाओ, इधर और किताब। ये लो, इसे रखो। अभी खुश हो ना?
Let me help you. Oh, thank you, thank you. Two bags. Hey, Professor, huh? What a surprise. Hi, Varun. How are you, my boy? I'm fine, sir. कहाँ जा रहे हो तुम? एक नया जॉब रिज्यूम कर रहा हूँ, कोलकाता जा रहा हूँ. Hey, good, good. मैं भी वहीं जा रहा हूँ, मेरा बेटा वहाँ है. Oh, that's so nice. Sir, sir, अरे, sir, sir. मेरी फ्लाइट मिस हो गई है, टिकट रीशेड्यूल करना. या राइट. Hey, हेलो. रुको रुको रुको. लव साइंस, ये बुक दे दीजिए. थैंक यू मैडम, पैसा बिल्कुल सही दिया आपने. ये तो वैसे ही बुक है. हाँ, अरे कल्याणी. हाँ, मैडम. ओ मैडम, आप कोई बोल रहा हो? ब्लैक चूड़ीदार वाली, अंदर आ जाओ जल्दी. सुनो, तुम अपना चश्मा जरा ठीक से साफ कर लो. मेरे कपड़े का रंग ब्लैक नहीं है और ये ड्रेस चूड़ीदार भी नहीं है. जो भी हो मैडम, मुझे फर्क नहीं पड़ता है. मैं क्यों ऊपर आऊँ? सिर्फ लड़के ही फुटबॉल में ट्रैवल कर सकते हैं क्या? लड़कियाँ नहीं कर सकती? अगर मैंने सोशल मीडिया में तुम्हारे बारे में कुछ गलत लिख दिया ना, तो तुम बचोगे नहीं, सब वायरल हो जाएगा. समझाना था, समझा दिया. जो करना है करो. इसे जरा पकड़िए ना, मैं देखती हूँ. हेलो मैडम, चलिए नीचे उतरिए, नीचे उतरिए. मैं क्यों नीचे उतरूं? ओ मैडम, आप वो फेसबुक पे वायरल होने की बात कर रही थी ना, अब आप इनको समझाइए. चलिए उतरिए, उतरिए, सब नीचे उतरिए. फुटबॉल वाले आ जाइए, इस तरफ आइए. राइट राइट. मुझे ना आईसीयू केयर में जाना है. आपकी बुक रह गई है. ECIL समझता हूँ, पर ICU केयर क्या है? इंटेंसिव केयर यूनिट. मेरी माँ वहाँ पर एडमिट है. अच्छा, कूपर हॉस्पिटल? नहीं नहीं, लीलावती में है. पर वो इस तरफ नहीं, उधर है. अरे रे रे, मैं तो भूल ही गई थी. थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. जरूरत नहीं है. ऑनलाइन 500 देना, ऑफलाइन 200 देना. ये क्या है सर? ये फाइन है. ऑनलाइन भरेंगे या ऑफलाइन? अच्छा, फाइन है. ओह माय गॉड, कमिश्नर साहब आ रहे हैं. कमिश्नर साहब, मैं पीछे आपके. ये तो एम्बुलेंस है. हाँ, ये मैडम तो बहुत शानी निकली, मुझे मामू बनाकर निकल गई. हेलो मैडम, आज लेट हो गए. ट्रैफिक पुलिस ने बस रुकवा दी थी, इसलिए लेट हो गई. गुड मॉर्निंग मैडम. नॉट पॉसिबल, नहीं हो सकता. मैंने कहा था ना, कॉफी. लव साइंस? नॉनसेंस. पद्मश्री, ये क्या है? फालतू किताब. अब फोन रखो जल्दी. तुम भी ना, टेंशन मत लो, आते ही 24 घंटे में सब तैयारी कर दूंगा और फिर हम शादी करेंगे. अरे बस कर, अपना रोमांस बंद करेगा. देखो, अपने डैड से पूछकर शादी करना और फिर हनीमून के लिए US आ जाना. ओके ओके, गुड. ए प्रकाश, प्रकाश कहाँ है? कम ऑन यार, हरी अप, लेट हो रहा है. 2 मिनट यार, चल मैं पूजा कर लेता हूँ. ये कद्दू तोड़कर वेस्ट क्यों कर रहा है? उसकी सब्जी बना के खाता क्यों नहीं? वेस्ट नहीं कर रहा हूँ यार, नजर उतार रहा हूँ. नया बिजनेस है, नई गाड़ी है और नई लड़की. हाँ, वो भी आ ही जाएगी. वैसे एक बात बता, गूगल मैप्स पर भरोसा है तुझे? हाँ है. वो काम कैसे करता है? सैटेलाइट की मदद से. एग्जैक्टली, उसी सैटेलाइट की जो भी बुरी नजर है वो मैं यहाँ से पूजा करके उतार रहा हूँ. अच्छा, और ये तुझे किसने बताया? मेरे पिताजी ने बताया है. तेरे गुरु कौन? वही इसके गुरु हैं. दोनों अंधविश्वास के मरीज हैं. ये सब करने के बाद ही ये यहाँ से आगे बढ़ेगा, समझा इसको? अरे यार सुन, ऐसी बातों पे विश्वास मत कर, एक दिन बर्बाद हो जाएगा. अरे जो भी हो, आई एम द बेस्ट. इसे चला, ये हार नहीं मानता. चल, बुरी नजर वाले, तेरा मुंह काला. चलो, हो गया, पूजा खत्म हो गई, अब तू जा सकता है. बज के 36 मिनट पर क्या था? टाइम तो सही था, नजर उतारने का तो मुहूर्त सही था, फिर ये सब कैसे हो गया? जो नसीब में लिखा होता है वही होता है. तेरे में लिखा था पेड़ टूटेगा. मार मत, वरना तुझ पे मंत्र फूंक दूंगा. ओ मैटर क्या, टाइम गलत नहीं था, तेरे गुरु ने तुझे गलत सिखाया है. तू मेरे ऑपोजिशन पार्टी में है, लेकिन मेरे पिताजी से क्या दुश्मनी है तेरी? ये शायद मेरे कैलकुलेशन में ही कुछ गड़बड़ हो गई होगी. कद्दू पे फिसलेगा तो यही होगा. डॉक्टर ने क्या कहा है? 1 month बेड रेस्ट. अब 1 महीना में क्या करूंगा? ऐसी हालत में तुझे क्या लगता है तू शू पहन के कहीं भी बाहर जा सकता है? चुपचाप लेटे रहना. लेकिन कितनी देर तक मैं लेटा रहूंगा? तू बिल्कुल टेंशन मत ले, तुझे जिस चीज की जरूरत हो मुझे बता, मैं लेके आऊंगा. जब तक तू फुल रिकवर नहीं होता मैं यही रहूंगा, US नहीं जाऊंगा. ओके, ये सब क्या कह रहा है यार? ओवर एक्टिंग मत कर बच्चे. ओम क्राक ग्रेवस्ते लक्ष्मी करमधे सरस्वती
योर ऑनर, क्या ये मेरी गलती है कि मैं क्रिमिनल्स को किसी तरह बचा लेता हूँ, इसलिए मैं आपके लिए नारियल पिछले 3 साल से लगातार फोड़ रहा हूँ। इस साल मैं पहले फोड़ दूंगा, मुझे हर केस में कामयाबी दो। रे यार पागल जैसा क्या बोल रहे हो, ये पब्लिक में फैसला कौन सुना रहा है? पापा तुम मेरी बात याद रखना है, मैं अपनी बेटी की शादी की फाइल बंद कर देता हूँ, उसकी शादी कर देता हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए। पंडित जी आप भी आशीर्वाद दीजिए। मनो वांछा फलत सिद्धरस्तु। सब गया, सब कुछ गया। तुमने उस पब्लिक प्रोसिक्यूटर की साइड ली है ना, तुझे बताता हूँ मैं। पद्माश्री। हाँ मैं यहाँ हूँ जी। पद्माश्री अब से मैं गणपति के लिए एक भी नारियल नहीं फोड़ूंगा। क्या हुआ जी, इतने गुस्से में क्यों हो? तुम्हारे पास और कोई कपड़े नहीं है क्या? रोज इस तरह के अतरंगी कपड़े पहनती हो। अरे इसे शादी थोड़ी ना करनी है। सुना तेरी माँ क्या कह रही है? मेरी बातों को हमेशा काउंटर करने की कोई जरूरत नहीं है, पहले अपनी बेटियों पर ध्यान दो। इसका रिजल्ट आ गया? अब सुनो, सक्सेसफुली पिछले 4 साल से फेल हो रही है तुम्हारी बेटी। सो मत। फेल होकर भी मुझे खुशी हो रही है, पिछली बार मैं सारे सब्जेक्ट में फेल नहीं हुई थी। आपने डैडी को बताया? देखा कैसी बातें कर रही है, ये कभी नहीं सुधरेगी। सुनो मैं अब तेरी एग्जाम फीस नहीं भरूंगा, अब जो भी लड़का मेरी नजर में सही होगा उसके साथ इसकी शादी करवा दूंगा। अरे वाह। अब अगर दोबारा शादी की बात की ना तो मैं क्या करूंगी, ये सोचा भी नहीं होगा। लव साइंस, ये लव साइंस की बुक मेरे पास बार बार क्यों आ जाती है? पास भी हो गई। तुम मुझे कहाँ मिलोगे और कितना वेट? हेलो, टिकट्स मिले क्या? नहीं मिले, हमें ऑनलाइन टिकट्स बुक करने चाहिए थे। अब क्या करेंगे, ट्रीट तो तुझे देना होगा। ऑनलाइन टिकट्स भी मैं ही अब बुक करूं? क्या करें? तो और कौन करेगा? बहस मत करो, चलो चलते हैं। तुम चुप करो, अब क्या करेंगे बताओ। ये कहाँ से मिली? उस बैग से मिली। एक्सक्यूज मी, मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा टिकट्स हैं, आप लोगों को चाहिए? कितने हैं? 4। 4, परफेक्ट। ये लीजिए, एंजॉय, बाय। थैंक यू। वाओ, एक चीज दिखाओ, इसकी वजह से हमें टिकट्स मिले हैं, समझ गए? थैंक यू मिस्टर लकी। पहले मुझे विश्वास नहीं हुआ, तुम कहती हो ये तुम्हारा लक है, अब तुम्हें ट्रेन में फिर से जाना होगा। वैसे ये दिखने में ओके है, फिल्म का हीरो है तो डबल ओके, लेकिन ये सिर्फ इसी का हीरो होगा तो नॉट ओके। ठीक है ठीक है, अब तुम केक ऑर्डर कर दो प्लीज। एक्सक्यूज मी मैम, आज हमारी 5th एनिवर्सरी है, ये केक आपके लिए, एंजॉय द डे। अब तो तुम लोगों को विश्वास हो गया ना, दैट इज माय लकी चार्म। क्या कहा? ये तुम्हारा लकी चार्म है, तुम्हें इस बात की कंफर्मेशन है? अब पता नहीं ये फोटो कहाँ से आई है, लेकिन ये है तो हैदराबाद में। मैं बस के फुटबोर्ड में ट्रैवल कर रही थी और इसकी फोटो मुझे मेरे बेडरूम में एक किताब के अंदर मिल गई। मैं इसकी फोटो अपने बेडरूम में लगाऊंगी। इसलिए इसका रिजल्ट्स भी चेंज हो गया, फिल्म के टिकट्स भी मिल गए, और फाइनली ये देखो
केक भी यहाँ पर आ गया। ए, अब तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो। तुम्हें उससे प्यार हो गया क्या? मीरा, प्यार हो गया क्या? अगर हो गया है तो इसमें गलती क्या है? क्या पागलों जैसी बात कर रही हो? हम उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। Actually, I don't care. मैं बस इसे प्यार करने लग गई हूँ। शाम को मिलते हैं, मुझे कुछ शॉपिंग करनी है, तुम तैयार रहना। हाँ ठीक है, तैयार रहूंगी। ओके। हाँ हाँ ओके, बाय। मीरा, कब से फोटो देख रही हो? पहले उसे डायरेक्ट तो मिलो। ठीक है, अगर ये मुझे डायरेक्ट नहीं मिला तो ये मेरा लकी चार्म नहीं है। ऑल द बेस्ट। ये क्या है? इतना बड़ा लेंस? ये मैं अपने फ्रेंड को गिफ्ट करने वाली हूँ माँ, 2 लाख। आपने सुना ना, आपकी बेटी ने फ्रेंड के लिए 2 लाख का कॉस्टली गिफ्ट खरीदा है। करने दो, इसमें अगर उसे खुशी मिलती है तो भले ही 20 लाख की गिफ्ट हो, तुम खरीद लो बेटा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, गिफ्ट ही तो है, दे दो बेटा। तुम्हारे भरोसे मैंने चैलेंज किया है, अब किसी भी तरह तुम मुझसे मिलो। ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, आपको नहीं, मैं उसे बुला रही हूँ। हेलो, हे, एक्सक्यूज मी, हे एक्सक्यूज मी, हेलो सुनो। ये तो वही मैडम है, इस बार इसे नहीं छोड़ूंगा। अरे मैडम रुकिए रुकिए रुकिए, यहाँ यू टर्न नहीं मार सकते। मैं धकेल कर तो ले जा सकती हूँ। अच्छा, ये बोर्ड नहीं देखा क्या? दरअसल मैं आपको देख रही थी। अच्छा चलो, 500 रुपए फाइन निकालो, चलो चलो। 500 रुपए? हाँ चलो चलो, निकालो निकालो निकालो। सोच क्या रही हो? आपके पास 2000 का चेंज होगा? मैं इस समाज की भलाई के लिए हमेशा चेंज रखता हूँ, ये पब्लिक सर्विस है। आप तो बहुत अच्छे इंसान है। हाँ, जानता हूँ। ऐसे ये नोट, आई लाइक इट। थैंक यू। यू आर वेलकम। ये तो 2000 का चेंज ले गई और फाइन भी नहीं भरा। ये मैडम तो बहुत शाणी है, मुझे फिर से मामू बनाकर चली गई। हाय वरुण। हाय। देखो ये कैसा बढ़िया है, फोटोग्राफी के लिए परफेक्ट है। सुनिए जी, क्या हुआ? कहा था ना हमें अपनी बेटी पर नजर रखनी चाहिए, पर आप मेरी बात सुनते ही नहीं। अब क्या हुआ? देखिए, उसने वो कॉस्टली गिफ्ट किसे दिया? Shall we go? Yeah, let's go. Okay, let's go. वो गिफ्ट चाहे किसी को भी दे, मेरी बेटी मेरी पसंद के लड़के से ही शादी करेगी। Superb. Fantastic. ए, कैसे हो? बहुत सही है, बस एक और। थैंक यू थैंक यू। हेलो रम्या, वो तेरी फोटो नहीं ले रहा, टाइम पास कर रहा है। हाँ? नहीं, 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 रुक जा रुक जा रुक जा रम्या, मैं तुम्हारी फोटो निकाल रहा था सच में। ये देखो कितनी प्यारी लग रही हो तुम, मेरी जान जो हो। एग्जीबिशन के लिए ये फोटोज नहीं चलेंगे, थोड़ी प्रोफेशनल होनी चाहिए। बात तो है। ए, ये कद्दू ऐसे क्यों रखा है? अच्छा लग रहा है, तुझे अच्छा नहीं लग रहा है? ए प्रवीण, एक बढ़िया आइडिया। अच्छा है ना? Something is missing. मतलब कुछ कमी है यार, ये बात है। हाँ। What's missing? ये पकड़ो। क्या कर रहे हो? बताता हूँ। Okay, Praveen, ready? हाँ, ready. This is awesome. Wait, wait, wait. One selfie, please. तुम्हारी फोटो तो मैं अपने बेडरूम में सजा के रखूंगी। हे मीरा, मीरा दरवाजा खोलो। हे मीरा, मीरा तुम अंदर क्या कर रही हो? मीरा दरवाजा खोलो, मैं हूँ। मीरा दरवाजा खोलो ना। हे मीरा दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो, तुम अंदर क्या कर रही हो? हे, सारी लाइट
लाइट्स ऑन करके तुम अंदर क्या कर रही थी? मैं मेकअप नहीं नहीं झूठ मत बोलो सच बताओ। अरे कह रही हूं मैं बताओ मुझे पता नहीं झूठ बोल रही है तो फिर क्या छुपा रही हो मुझे देखने दो तुम झूठ बोल रही हो। सुनो 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 वाओ तो इतनी देर से तुम इसे देख रही थी व्हाट अ डांसर है ना एक्टिंग तो जबरदस्त है डायलॉग डिलीवरी टू गुड ये तो सुपरस्टार है ए हेलो 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 मुझे रोक क्यों रही हो ये मेरे फेवरेट है अब तुम क्या करो प्लीज पापा मीरा फोटो के साथ डुएट कर रही थी क्या हो रहा है ये आई ऑब्जेक्ट देखो क्या कर रही है तुम्हारी बेटी डैडी अब यहां पे प्रॉब्लम मत क्रिएट करो प्रॉब्लम मैं कर रहा हूं वाह वाह देखिए कितना स्मार्ट है मुझे तो लड़का बहुत पसंद है आप तो कुछ मत कहिए अच्छा सुन तू इस लड़के की डिटेल्स ना अपने पापा को दे दे आप जाके उनसे बात कीजिए मैं किससे जाकर बात करूं ठीक से देखो मेरा लिहाज करो थोड़ी भी जनरल नॉलेज नहीं है तुम्हें दांत मत दिखाओ शादी के बाद कैसे रहते हैं वो सीखना चाहिए तुम्हें नहीं तो कल से तुम मेरी जूनियर बनकर काम करना शुरू कर दो आप बस कीजिए बहुत हो गया सीनियर जूनियर देखो बेटी इनकी बात पर ध्यान मत दो तुम खुशी खुशी शादी करो लेकिन ये कहेंगे मैं इनकी चॉइस से ही शादी करूं मेरी कोई चॉइस नहीं है क्या हेलो हे मीरा पता है मैंने तेरे लकी चार्म को अभी बस स्टॉप पर देखा क्या हाँ यार मैं अभी बस स्टॉप पर वेट कर रही हूँ तू जल्दी से आ तुम वहीं रुको मैं बस अभी आती हूँ ओके ये उम्मा किसको कर रही थी ओके कहाँ जा रही है बता के तो जा मेरी चॉइस को देखने कहाँ है वो अभी जस्ट अभी वो ऑटो लेकर उस तरफ बैठो सॉरी सॉरी उफ़ टायर पंक्चर हो गया अब हम क्या करेंगे ओके ऑटो भैया चलो बिग मार्केट हे तुम कहाँ जा रही हो तुझे क्या लगता है मैंने तेरे लकी चार्म को देखने बुलाया क्या मतलब मुझे तो शॉपिंग करनी थी इसलिए मैंने तुझे बुलाया था हाँ ठीक है पंक्चर बनवा कर घर चली जाना हेलो बाय मैडम पंक्चर बन गया 50 रुपए लगेंगे हाँ? तुम इधर दो या उधर क्या दो? मतलब या तुम मुझे दो बहुत दिनों के बाद तुमसे 500 रुपए अरे ये तो उड़ गया इस बार भी मेरे हाथ से निकल गया अरे रे 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 500 रुपए का नोट इस तरह उड़ते हुए पहली बार देख रहा हूँ लगता है इस मैडम का फाइन मेरे नसीब में ही नहीं है क्या बॉस क्या देख रहे हो तुम्हें चाहिए देता हूँ बस एक शर्त है ये नोट जिसका भी है उसे वापस करना आपका काम है ओके बाय अब ये क्या था तुम मुझसे मजाक कर रहे हो क्या उसे एक मिनट के लिए यहाँ रोक नहीं सकते थे क्या बिगड़ जाता तुम्हारा अब तुम क्या चाहते हो मुझे नहीं पता लेकिन किसी भी तरह से मेरे लकी चार्म को मुझसे मिलवा दो प्लीज 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 एक्सक्यूज मी हाँ कंटेस्टेंट है क्या योर नेम पता नहीं गुड जोक नाम लिखवाने के बाद ही आप अंदर जा सकती हैं मीरा मीरा 14 चलो Only 1 minute to go. टिक 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 समय आपके लिए चल रहा है लेकिन मेरा समय तो फ्रीज हो चुका है जिसे मैं ढूंढ रही थी वो अचानक मेरे सामने आया
तुम्हें सुन पड़ गई थी। एक बात बताऊ मैं, वो मेरे सामने आया लेकिन अचानक गायब हो गया और मैं फिर से उदास हो गई। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ये हो क्या रहा है। आज तक ऐसी फीलिंग कभी नहीं हुई, लेकिन अब मैं बात करूंगी और बात करती ही रहूंगी। मैं नहीं रुकने वाली, मैं सिर्फ एक ही बारे में बात करूंगी। लव लव लव, जस्ट लाइक मैजिक 100 FM। मोर लव मोर मैजिक। जब मैं एग्जाम में पास हो गई थी तब मेरी फ्रेंड्स को विश्वास नहीं हुआ। मेरी फ्रेंड्स विश्वास ही नहीं करेंगे कि मुझे FM में काम मिल गया है। Okay, go. Hi folks, this is RJ Meera. It is my first day, first show on Magic 100 FM. I'm very excited और मैं आपके साथ बहुत सारी बातें करूंगी। मुझे बात करना अच्छा लगता है। Hello, obviously, इसलिए तो मैं RJ बनी। मुझे म्यूजिक भी बहुत पसंद है। मिडनाइट में स्ट्रीट फूड खाना पसंद है एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली सिंगल स्क्रीन में फिल्म देखना पसंद है। जो पसंद है वो मैं करती हूँ और जो करती हूँ वो बहुत बहुत पसंद करती हूँ। बेसिकली मुझे सब कुछ पसंद है। रिसेंटली डेस्टिनी के साथ मेरी बहुत सारी मुलाकातें हुई। अब देखिए ना, उसी डेस्टिनी के पीछे भागते हुए मैं एक जगह पहुंच गई और आरजे के लिए सिलेक्ट हो गई और आज आपसे आरजे मीरा बात कर रही है। सो आई बिलीव दिस इज माय डेस्टिनी। ऐसी है, अगर डेस्टिनी की स्टोरीज आपके पास है तो मुझे कॉल कीजिए इस नंबर पर 0404-44-100-100। आई एम वेटिंग फॉर यू गाइस, प्लीज डू कॉल फास्ट। ओके बात करो। रुको रुको, मीरा मीरा, मीरा। क्या हुआ, कुछ कुछ गलत हुआ? परफेक्ट परफेक्ट, सुपर, थैंक यू। हेलो, क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? हाय, ऐसे ही फोन किया था। अगर आप अपना नाम बताएंगे तो आपके फ्रेंड्स, फैमिली और रिलेटिव्स बहुत खुश हो जाएंगे। बट इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड इफ यू डोंट वांट टू रिवील योर नेम। मैं आपको मिस्टर एक्स बुला सकती हूँ। बाय द वे, आप आरजे हैं तो कैजुअल बातें कर सकती हैं। आप ये डेस्टिनी वगैरह जैसी गलत चीजों को क्यों प्रमोट कर रही हैं? ओके मिस्टर एक्स, ये बताइए आप इतने गुस्से में क्यों हैं? मैं गुस्से में नहीं हूँ। रिसेंटली मेरे साथ जो हुआ वो आपसे शेयर करना चाहता हूँ। आप ही डिसाइड कीजिए ये डेस्टिनी थी या नहीं। एक एयरपोर्ट ड्रॉप में मेरी गाड़ी में टेंशन वाला कस्टमर था। ए ड्राइवर, गाड़ी तेज चलाओ ना प्लीज। आपको हुआ क्या? अरे क्या बताओ, मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी तो मेरी लाइफ मिस हो जाएगी। फ्लाइट कितने बजे की है? बोर्डिंग टाइम 11:05। अरे तो बहुत टाइम है, अपने पास 2 घंटे और हैं। सिग्नल है बाबा। भाई प्लीज जल्दी चलो यार, मैं थोड़ी देर एक्सरसाइज कर लेता हूँ, डीप ब्रीदिंग कर लेता हूँ। आराम हो गया। अरे इस बाबा का पोस्टर पूरे शहर में लगा हुआ है क्या? हम अभी भी उसी जगह खड़े हैं। भाई ये क्या चल रहा है? अरे रे 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 रे, यहाँ तो बहुत भीड़ है। और कितनी देर लगेगी? ट्रैफिक जाम के बाद 40 मिनट में पहुंच जाएंगे, आप घबराइए मत। सब गया भाई, सब कुछ गया। मेरी फ्लाइट मिस हो गई, मेरी लाइफ मिस हो गई, अभी मेरी जिंदगी में कुछ बाकी नहीं रहा, सब बर्बाद हो गया। अच्छा, सब तुम्हारी वजह से हुआ। मेरी? तुमने जानबूझकर मुझे यहाँ फंसा दिया, अब मैं कहीं का नहीं रहा। सर, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मुझ पे भरोसा रखिए, मैं राइट टाइम पे आपको एयरपोर्ट पहुँचा दूंगा। ए भाई, तुम्हें लगता है तुम्हारी बातों पे विश्वास कर लूंगा? नकुल, हेलो, अर्जेंटली तेरी हेल्प चाहिए यार। अरे वाह, हम एयरपोर्ट पहुंच गए। मेरे भाई मेरी बातों का बुरा मत मानना, वो तो मेरा नसीब अच्छा है इसीलिए मैं सही वक्त पर सही जगह पे रहता हूँ। क्या सर, आप तो नसीब वसीब की बातें कर रहे हैं। आपके नसीब में ट्रैफिक जाम में फंसना था, मैंने जुगाड़ लगा कि आपको सही वक्त पर पहुंचाया है। अरे वही तो मैं भी कह रहा हूँ, इसे ही तो नसीब कहते हैं। मैं तो गाड़ी में था, तुमने बाइक जुगाड़ किया, मुझे एयरपोर्ट लेकर आए। मेरे नसीब में नहीं होता तो मैं इधर तक नहीं पहुँचता, यही तो कह रहा हूँ मैं। वो देखो एयरपोर्ट आ गया। हाँ तुम्हें पहुँचा के ही रहूँ। अरे अरे भाई, अरे एयरपोर्ट उस तरफ है, इधर कहाँ जा रहे हो? हेलो, अरे भाई एयरपोर्ट उधर है। यहाँ से शॉर्टकट है। शॉर्टकट? भाई क्या हो गया? सर जरा नीचे उतरेंगे। सर नीचे उतरिए ना प्लीज। अरे भाई मेरे एयरपोर्ट उधर है,
आपके नसीब में फ्लाइट पकड़ना लिखा है ना, मिस हो गई तो जंप करके पकड़ लीजिए, वरना यहीं बैठिए आपका नसीब आपको फ्लाइट में बिठा देगा। हैव अ सेफ जर्नी सर, ओके, फिर मिलेंगे। अरे भाई ऐसा मत करो। अरे भाई, भाई, ए भाई। बेचारा आदमी, आपने ऐसा क्यों किया? और नहीं तो क्या करता, उसे पहुंचाने के लिए सारी मेहनत मैंने की और वो क्रेडिट डेस्टिनी को दे रहा था। हेलो हेलो हेलो, आप लाइन में हैं? मिस्टर एक्स, आर यू देयर? लगता है कॉल कट हो गया। नहीं नहीं, वो डेस्टिनी के खिलाफ बात कर रहे थे इसलिए डेस्टिनी ने उनका कॉल कट कर दिया। मैं हूँ आरजे मीरा ऑन मैजिक 100 एफएम। कहाँ है तू? ऑन द वे। सिर्फ 15 मिनट बाकी हैं। चुप कर। उसके बाद गेस्ट आने लगेंगे। प्लीज टेंशन लेना बंद कर, मैं आ रहा हूँ ना। ठीक है, बाय बाय। ए रुको रुको रुको। नमस्ते सर। लाइसेंस है? घर में है सर। इंश्योरेंस है? वो भी घर में है सर। पीयूसी है? वो भी घर में है सर। जेब में पैसे हैं? सर वो पैसे भी घर में हैं। सब चीज घर में है, तो गाड़ी रोड पर क्यों निकालते हो सर? गाड़ी जब्त करनी पड़ेगी। ए हर बार मुझे मामू बनाने वाली। स्टॉप 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 स्टॉप। तुम्हारे पहले के दोनों फाइन बाकी हैं और इस बार भी वन वे में गलत ड्राइव कर रही हो। पहले का और आज का सारे फाइन भरो। अच्छा अब कमिश्नर की जगह गॉड आ गए। सर 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 प्लीज 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 सर, अगर इस तरह आपकी बात मानता रहा तो जिंदगी भर मुझे पैसे नहीं मिलेंगे। चलो फाइन भरो। फाइन छोड़िए, आप गाड़ी रख लीजिए। अरे ओ मैडम, मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती। जो आदमी है, क्या आप उसे जानते हैं? अच्छी तरह जानता हूँ। Do I know you? I know you? आप मुझे सिर्फ एक घंटा दीजिए, मैं आपको पूरी कहानी बताती हूँ। मेरे पास उतना टाइम नहीं है, सॉरी। हाँ फिर आर 10 minutes, please. Your 10 minutes start now. 10 minutes मतलब आप सच में 10 minutes पकड़ कर मत चलिए, थोड़ी बड़ी कहानी है और मुझे आपको बताने में थोड़ा वक्त लगेगा। 50 seconds. One minute. Okay. Hey, ये फोटो तुम्हें कहाँ मिली? यही तो बताना है। ये बुक बार बार मेरे पास वापस आ जाती है। It's amazing, है ना? Wow. Really amazing. बिल्कुल किसी fairy tale जैसा है ना? जो destiny सपने में देखते हैं, नसीब ने उसका screenplay लिख दिया। तुम्हारे screenplay में जो destiny मुझे बार-बार तुम्हारे सामने लेकर आ रही थी, वो कभी तुम्हें मेरे सामने क्यों नहीं लेकर आई? लेकिन अभी तो लेकर आई ना। Sorry. तुम्हारी destiny तुम्हें मुबारक। By the way, I'm leaving tomorrow. Bye. Hey, hello, 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 hello. आप अभी अभी आए हैं और तुरंत जा भी रहे हैं। आप यहीं रहेंगे, आप कहीं नहीं जाएंगे और आप मेरा शो भी सुनेंगे। शो कितने बजे? 9 AM. और कहाँ तक सुनाई देता है? 45 kilometers. Don't worry, program miss नहीं होगा। Very good. लेकिन उस टाइम मैं 4,500 kilometers दूर 45,000 feet की ऊंचाई पर। देखिए ये क्या होगा, कैसे होगा, ये मैं नहीं जानती, लेकिन आप मेरा शो सुनेंगे और आप सुनकर मुझे कॉल करेंगे। We'll see. Bye. ये तो कंफर्म है कि वो सुनेगा।
इतनी एक्साइटमेंट, इतनी टेंशन, मेरी जिंदगी में ये दोनों एक साथ पहली बार हो रही थी और मैंने पूरे जोश से प्रोग्राम की शुरुआत की। हेलो, आप कौन बोल रहे हैं? मुझे लगा आने वाला हर कॉल वरुण का होगा। प्रोग्राम खत्म होने का टाइम करीब आते आते मुझे डाउट होने लगा कि वो मुझे कॉल करेगा या नहीं। बाय वरुण, हैप्पी जर्नी। बाय गाइस, सी यू। मुझे लगा शायद प्रोग्राम के आखिर में वो मुझे कॉल करेगा। पासपोर्ट प्लीज। या। दिस इज मीरा साइनिंग ऑफ ऑन मैजिक 100 FM। थैंक्स फॉर लिसनिंग। एक्सक्यूज मी सर, ये देखिए। ये क्या है? हमें कोई वेडिंग कार्ड नहीं चाहिए, वीजा चाहिए। ये नहीं चलने वाला। अरे यार, डेस्टिनी। It's not destiny, Kalyani. Hey, Bhagwan. That's why I'm here. Anyway, bye. I love this Kalyani, yaar. No, you and don't. And I want to meet her. क्यों कह रहे हो? क्योंकि उसने मुझे ये चांस दिया। चांस तो मैंने दिया है तुम्हें, फिर बारिश को क्यों थैंक यू कह रहे हो? ओके, थैंक यू। इससे अच्छा होता तुम थैंक्स नहीं कहते। मुझे तुम्हारा थैंक्स नहीं चाहिए। लेकिन तुम्हीं ने तो कहा कहने को। किसे? अम्ब्रेला को। ओह, अम्ब्रेला को। ये सब क्यों हो रहा है ये मैं नहीं जानता, बट आई लाइक योर सरप्राइज। जो हो रहा है अच्छा लग रहा है। मुझे एक बात बताओ, क्या तुम मुझे ये ब्यूटीफुल मैजिकल फीलिंग जिंदगी भर देती रहोगी? दोगी ना? सिर्फ जिंदगी भर ही नहीं दूंगी, मैं तुम्हारा साथ आने वाले हर जन्म में दूंगी। आई लव यू। ए मीरा। हाँ? अरे मीरा क्या कर रही हो? छाता खोलो यार। हाँ, हाँ। कोई बात नहीं, चलो चलो, वैसे भी भीगी गए। ओके, चलो, ओके, सॉरी। पता नहीं क्या सोच रहे थे। लो अपना सिर पोंछो। ओके। जो हुआ उसके बारे में सोचकर तुम दुखी मत हो। तुमने बहुत मेहनत की, लेकिन जो हुआ अच्छा हुआ।
तुमने 3 बार फ्लाइट मिस की, तुम्हें पता है क्यों? तुम्हें इस लड़की से मिलना था, इससे मिलना तुम्हारे नसीब में लिखा था बेटा। बस करो कल्याणी, तुम कहती हो नसीब में लिखा था, ये कहती है डेस्टिनी है। मैं ये सब नहीं मानता। मेरी बात नहीं मानते हो, कल्याणी की बात भी नहीं मानते हो, फिर किसकी बात मानते हो? चलो डेस्टिनी को परख लेते हैं। ये ट्रेन चेन्नई जा रही है, इस सफर में 27 स्टेशन है, मैं किसी भी स्टेशन में उतर जाऊंगा, वो कौन सा स्टेशन है मुझे नहीं पता, ना तुम्हें पता है। कल इसी ट्रेन में तुम्हें ट्रैवल करना होगा, और जहां मैं उतरा था वहीं तुम्हें उतरकर मुझसे कम्युनिकेट करना होगा। तब तक नो मोबाइल फोन्स, नो मैसेजेस, नो व्हाट्सएप एंड नो अदर सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशंस। मीरा, तुम जिसे डेस्टिनी कहती हो ना, उसे प्रूव करने के लिए ये छोटा सा टेस्ट। ये कैसा टेस्ट है यार? ज्योतिष लोग भी ये नहीं बता सकते। हे ईश्वर हमारी रक्षा करना। ये तो बहुत ज्यादा है वरुण। वरुण तुम इससे और इजी टेस्ट रख सकते थे। अच्छा? इट्स इम्पॉसिबल। मीरा तुम इस टेस्ट के लिए राजी मत होना। मत राजी होना। क्या हुआ मीरा? इतना मैजिक करके तुम्हें मुझसे मिलाने वाली तुम्हारी डेस्टिनी तुम्हें उसी स्टेशन पर नहीं उतारेगी जहां मैं उतरने वाला हूं। तो ठीक है वरुण, मैं तैयार हूँ। अंकल सीट नंबर 58 में मेरा दोस्त आ रहा है, वो कौन से स्टेशन में उतरेगा हमें बताएंगे प्लीज? ये रहा मेरा मोबाइल नंबर। नो चीटिंग। मीरा यहाँ आ जाओ, सीट खाली है। मेरी दादी है लेकिन मैं इन्हें मीरा बुलाता हूँ। अरे संभाल कर। कॉफी देना। कॉफी बेचते हुए बहुत खुश लग रहे हो। थैंक यू सर। कॉफे कॉफे गर्मा गर्म कॉफे कॉफी वाला। ओ अरे सॉरी बेटा। कॉफी पियो रहो हैप्पी। कॉफे सर 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 सिग्नल ग्रीन हो गया सर, ट्रेन चलने वाली है। क्या हुआ सर, फोन टूट गया क्या? आपको जाना कहाँ था? यही जाना था। तारा इधर आओ। हाँ क्या हुआ बोलो। ये क्या है? ये हैदराबाद से चेन्नई के बीच के स्टेशन्स का नाम है। ब्लू कलर मेरा होगा, ग्रीन कलर तुम्हारा। ये मैं हूँ और तुम वरुण हो। चलो हम एक वार्म अप मैच खेलते हैं। वार्म अप मैच? रेडी वरुण? हाँ रेडी। बोलो। बा पटला। फिर से ट्राई करें क्या? ठीक है। बोलो। चिराला। गुंटूर। मैं बचपन से तुम्हें जानती हूँ मीरा, तुम कौन से स्टेशन पर उतरोगी ये भी मुझे पता है, और वरुण कौन से स्टेशन पर उतरेगा ये भी पता है। जिस स्टेशन पर वो उतरेगा अगर तुम उस स्टेशन पर नहीं उतरी तो तुम डेस्टिनी के बारे में भूल जाओगी। तुम्हें अपने प्यार पर भरोसा नहीं है क्या? वो तुम्हें भूल जाएगा क्या? हेलो मैडम, आगे क्या हुआ बताइए। वरुण जिस स्टेशन पर उतरा था उस स्टेशन पर आप भी उतरे थे या नहीं?
मैं उसे मिली या नहीं मिली, डेस्टिनी ने क्या किया, ये मैं बताऊंगी आफ्टर दिस ब्रेक। मीरा तुम कहाँ जा रही हो? हटो मीरा, बैग मुझे दो। प्लीज मीरा मत जाओ, बैग प्लीज मुझे मत जाओ, मैं वरुण से बात करूंगी। ठीक है, मुझे बैग दोगी? फोन दो मुझे। अरे सुनो, सुना ना तुम्हारी डेस्टिनी क्या कह रही है? ये चैलेंज छोड़ दो, प्लीज मेरी बात मानो। ओके ओके बाय। मीरा रुको, बाय। 25 से 32 तक। हाय हाय, तुम आ गई। मीरा, 1 से 50 के बीच एक नंबर बोलो। क्या मतलब? मतलब उससे बड़ा नंबर होगा तो कैलकुलेट करने में थोड़ी तकलीफ होगी। 48 और 8 12 ये मतलब 1 + 2 = 3 = 4 = 5। हां, तुम्हारा लकी नंबर है 5। अगर तुम 5वें स्टेशन पर उतरोगी तो तुम्हें वरुण मिल जाएगा। ओए, इस बात की गारंटी है क्या? ए, गारंटी देना भगवान का काम है, हमारा नहीं। माफी मांग भगवान से। ए भगवान, इसकी बुद्धि पर ये इसे माफ कर। बाय मीरा। हां, टेंशन मत लेना, वरुण तुम्हें जरूर मिलेगा। ठीक है, ओके बाय बाय। ठीक है, बाय, मिस यू। बाय। माँ जी, ये मेरी सीट है। बेटा, दरअसल हम लोग एक ही फैमिली के हैं। S3 में हमारे 2 सीट्स हैं। अगर तुम्हें एतराज ना हो तो उधर जाकर बैठ जाओ प्लीज। ओके, अपना सीट नंबर बताएंगे प्लीज। ओके मीरा, 32, 3 + 2 = 5, 5 is your lucky number। मैंने पापा से अभी तक हमारे बारे में बात नहीं की है बेबी। उसे ना हनीमून की बहुत जल्दी है। हमेशा ऐसा ही करता है, जब देखो मुझे सरप्राइजेस देता रहता है। मुझे पता ही नहीं चला कि उसने मेरे बैग में ये कब रखा। उसकी यही आदत मुझे बहुत पसंद है। एक बात बताओ, तुम्हें वरुण में क्या अच्छा लगता है? मुझे नहीं पता। नहीं पता? मैं उससे प्यार करती हूँ, मैं बस इतना ही जानती हूँ। सही कहा तुमने, ही इज अ ग्रेट गाय। हे, फिफ्थ स्टेशन आ गया, चलो चलो। नहीं, ये स्टेशन नहीं हो सकता। क्या हुआ? नहीं, ये स्टेशन नहीं है। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? तुमने कहा इसलिए मैं उतर गई, लेकिन मेरा दिल कह रहा है कि ये वो स्टेशन नहीं, इसलिए। ओके। चलो रूम में जाते हैं। मैम, एक कॉल कर सकता हूँ? ओके। हेलो। हाय कल्याणी। कैसे हो बेटा, कहाँ हो तुम? किसी और नंबर से क्यों कॉल कर रहे हो? वो मैं बाद में बताऊंगा। मैंने कुछ करने का सोचा है। मेरा काम हो तो जाएगा ना? सुना ना, मंदिर की घंटी बज रही है, तुम्हारा काम जरूर होगा बेटा। थैंक यू कल्याणी, लव यू। Thank you.
कॉफी मैडम मेक्स यू हैप्पी मैडम कॉफी मैडम मेक्स यू हैप्पी कॉफी मैडम कॉफी कॉफी गर्मा गर्म कॉफी मैडम चलो यही उतरते हैं यही वो स्टेशन है यहाँ यही हे तुम श्योर हो ना क्या हुआ बच्चे मैं इस स्टेशन पर नहीं उतरूं ठीक है स्टेशन तक अर्जेंटली पहुंचना चाहिए ठीक है हाँ चलिए हम जरा तेज चलाएंगे प्लीज ठीक है सर सुनिए यहाँ दो लड़कियां बैठी थी ना मैंने नहीं देखा भाई मैं तो अभी आया हूँ बदली थी ये बात वरुण को तो नहीं पता थी एक्सक्यूज मी मेरे रूम की चाबी चाहिए थी ओके सर सर प्लीज सर थोड़ी हेल्प कर देंगे सर श्योर sure.
सर घबराइएगा मत सर, मैंने पावर ऑफ कर दिया सर। आइए। उतरना है मेरे बैग के लिए, मुझे उतरना पड़ा ना। नॉट रीचेबल। क्या हो गया? लगता है कचरा जम गया मैडम, एक मिनट। ये कैसा मैजिक है? मुझसे मिलने के लिए तुम्हारी डेस्टिनी ने तुम्हें उसी स्टेशन में उतार दिया जहां मैं उतर गया था। तुम्हें विश्वास हुआ? सुनो ना, मैं गरीब हूं ना। अरे नहीं बोला ना। अरे आओ ना, कोई नहीं दिख रहा है। मर गया। उधर देखो। प्लीज एक पप्पी मार भी वही रहा है। एक पप्पी दे दो ना, एक पप्पी। नहीं जेल कोई देख लेगा। मुझे चाहिए ना प्लीज। नहीं जेल कोई देख लेगा ना प्लीज। लेकिन मुझे चाहिए डार्लिंग, मुझे चाहिए। बेचारा। मुझे चाहिए डार्लिंग। टपोरी करी के नहीं जानी काम की चीज है कि नहीं, नहीं भी लड़की देखी उसे पकड़ लेता है। कौन है? वरुण ये मेरे डैडी है। नहीं नहीं डैडी कोई बात नहीं है। अंकल मेरी बात सुन ना, पुलिस स्टेशन पे जाना। पुलिस की क्या जरूरत है? मेरा फ्रेंड है डैडी, उसकी खबर मैं लेता हूं। मैं छोड़ूंगा नहीं इसे, तुम अंदर बैठो। गड़बड़ हो गई। चाहे तो मेरे बारे में जानते नहीं, क्रिमिनल लॉयर हूँ मैं, तुझे तो अंदर करके रहूंगा मैं। तू तो गया। छोड़ो ना डैडी, आप क्या कर रहे हैं? इसलिए तुझे पता चल जाएगा, अब देखना मैं क्या करता हूँ। मेरी बात तो सुनिए सर, बदतमीज कहेगा। कोई संस्कार नाम की चीज है कि नहीं, जो भी लड़की देखी उसे पकड़ लेता है। तुम यहाँ क्यों आई हो? क्यों, डैडी से डर गए क्या? मैं टपोरी हूँ ना, लड़की दिखती है तो पकड़ लेता। तुम लड़की को देखते ही पकड़ लेते हो और मैं लड़के को देखते ही पकड़ लेती हूँ। छोड़ो मुझे। hey! तुमने मेरे डैडी की बातों को सीरियसली ले लिया? उन्होंने सीरियसली कहा तो सीरियसली लूंगा ना। देखो, अचानक उनकी आंखों के सामने उन्होंने तुम्हें मुझे पकड़ते हुए देख लिया, तो किसी भी लड़की के फादर का यही रिएक्शन होगा ना। वैसे तुम मेरे लकी चामो, ये उन्हें नहीं पता है। तुमने उन्हें बताया नहीं? हाँ, उन्हें मैं बताऊं? कैसे बताऊं? हाय डैडी, वरुण मेरा लवर। क्या ये बताऊं उन्हें? जरा सोच कर देखो ना वरुण, उन्हें कैसे बताऊं? क्या हुआ डार्लिंग? क्यों डार्लिंग, अच्छा नहीं लग रहा? नहीं बोलू, नहीं बोलू। हाय राम्या।
तुम्हारे प्यार के बारे में तुमने किसी को बताया नहीं था? ऑलरेडी उन्हें पता चल गया था, इसीलिए मेरे मॉम और डैड मेरी शादी के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। तुम पे जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? तुम अपने पिताजी की जान हो, एक बार उनसे बात तो करके देखो। हाँ सही है कि मैं उनकी जान हूँ, लेकिन मेरी शादी उनकी मर्जी से ही होगी। हे, मैं कॉफी लेकर आती हूँ। प्यार और शादी, बीच में माँ बाप, वेरी रेगुलर प्रॉब्लम। तुम टेंशन मत लो रम्या, रजिस्टर्ड मैरिज कर लो, सब ठीक हो जाएगा। रजिस्टर्ड मैरिज? मैं हूं ना, ट्रस्ट मी, आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। ओके ओके, यू आर फाइन ना? ड्रामा मस्त है तुम्हारा। एक्सक्यूज मी, आप कौन है? सर वो क्या इशारा? तुझे उससे क्या, बैकग्राउंड और हिस्ट्री जाने बिना ही अपनी मर्जी से तू किसी भी लड़की के साथ घूम रहा है? सर आपने जैसा कहा मैंने वैसा किया, उसे यहाँ लेकर आ गया, बस कुछ फॉर्मेलिटीज बाकी है सर। सर कमिश्नर। हाँ सर, ये क्या है सर? हो जाएगा सर। कंप्लेंट लिखवाने के बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया? नहीं नहीं ऐसा नहीं है। ये क्या है सर, अगर एक्शन नहीं लिया गया तो वो फिर से हमला कर सकते हैं? ऐसा नहीं होगा। वरुण सर, थोड़ा सा और करवा दो ना प्लीज। ठीक है, अभी इतना ले लेते हैं। चलो तुम दोनों। वरुण, ए चल जा यहां से, चल यहां से, मैं बोल रहा हूं। आप पैसे क्यों ले रहे थे उससे? वरुण पीछे हट, मत लेके चल यहां से। सर उसे छोड़ दीजिए प्लीज। वरुण अरे ये क्या हो रहा है? कुछ मेरा, अपने फ्रेंड से कहो कि मैंने कुछ भी नहीं किया है। अगर आपने नहीं किया तो किसने किया है? फ्रेंड्स के साथ फिल्म देखना गलत है क्या? उनके साथ कॉफी पीना गलत है? आप किस जमाने में जी रहे हैं डैडी? शांति से बात करो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बैठिए। मैंने कुछ नहीं किया, मेरी बेटी की वजह से मैं यहाँ आया हूँ। हमने भी अपने तरीके से समझा दिया इसे। वरुण प्लीज, मेरी वरुण हॉस्पिटल चलते हैं प्लीज। वरुण प्लीज, वरुण लॉकअप में, पुलिस स्टेशन में, ये सब क्या है? इस लड़की से शादी करने से अच्छा होगा कि तुम उसे भूल जाओ। ए, ये लड़ाई मेरी और मीरा के पिता के बीच है, तू क्यों टेंशन ले रहा है? वैसे भी अभी कुछ दिनों में वैलेंटाइंस डे आने वाला है, तब देखना क्या होता है। मैं जानता हूँ तूने पुलिस को पैसा दिया था, किसके लिए काम करता है तू? मुझे नहीं पता, बता। मुझे नहीं पता, बताता हूँ, बताता हूँ। वरुण,
वरुण मेरे डैडी ने कुछ नहीं किया, उन्होंने मुझसे कसम भी खाई थी। प्लीज विश्वास करो ना। काश मैं तुम्हारा विश्वास कर पाता। ये देखो, मैं सच कह रहा हूँ सर, जो भी पुलिस स्टेशन में हुआ उसके पिताजी के कहने पर ही हुआ सर। फैसला तुम्हें करना है मीरा, मेरी तरफ हो या अपने पिता की तरफ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है वरुण। उस दिन तुम गुस्से में चले गए थे वरुण, मैं अपने प्यार की कसम खाती हूँ, मुझे सिर्फ तुम ही चाहिए, मेरी जिंदगी में सिर्फ तुम ही हो। प्रॉमिस वरुण। जॉगिंग का टाइम हो गया है, तुम अभी यहाँ से चले जाओ। नहीं, तुम अभी जाओ। अरे तुम इतना डरती क्यों? जब वो हमें देखेंगे तो हम परमिशन मांग लेंगे। देखो एकदम परफेक्ट प्लान। ओके ओके, अगर उन्होंने ना कहा तो कह दूंगा रम्या की खबर पहुँचाने के लिए आया था। हम दोनों किसी तरह मैनेज कर लेंगे। ओके ऐसा ही करेंगे, लेकिन तुम पहले बाहर तो जाओ प्लीज। अगर उन्होंने देख लिया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। सॉरी अंकल, सॉरी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अंदर कैसे आए? वो रात भर यही थे क्या? बताओ कब आए तुम? सर, बताओ सर, मेरी बात का जवाब दो। यही थे क्या तुम? सर, बताने का मौका तो दीजिए। एक मिनट सर, कहीं तुमने तो इसे नहीं बुलाया? चुप रहो तुम। क्या गलती नहीं, क्या समझ रखा तूने अपने आप को? मेरी बेटी क्या करना चाहता है? बोल। आपको तमाशा करना अच्छा लगता है क्या? क्या उससे बड़ा तमाशा तो नहीं कर रहा हूँ? बता ना तू क्या कर रहे हो? किस्मत फूट गई मेरी। दुनिया वाले कहेंगे कि लोगों को घर पे बुलाकर अपनी बेटी से धंधा करवाता है ये आदमी। कल से किसी भी लड़के को अपने घर पर बुलाकर ये गुलछरे उड़ाएगी। प्लीज स्टॉप इट डैडी, मैंने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया है। कोई गलत काम नहीं किया है? कॉफी पीने जाना गलत नहीं है, फिल्में देखने जाना गलत नहीं है, और ये भी गलत नहीं है। सर आप बिना मतलब के बात को इतना क्यों बढ़ा रहे हैं? तेरे घर पे कोई भी ऐरा गैरा आदमी ऐसे ही आता जाता रहेगा तो भी तू तो यही कहेगा कुछ भी गलत नहीं हुआ है। सर प्लीज माइंड योर लैंग्वेज। अब जानते हैं आप क्या कह रहे हैं। वरुण तुम प्लीज यहाँ से चले जाओ। दिमाग खराब हो गया क्या? वरुण प्लीज यहाँ से जाओ। तुम भी जाओ, जाओ जाओ ना। मीरा, टेल योर फादर टू कंट्रोल हिमसेल्फ। तुम फैसला करो तुम्हें कौन चाहिए। ये सब क्या हो रहा है? हम इतनी टेंशन क्यों ले रहे हैं? लगता है तुमने अभी तक फैसला नहीं किया है। ऐसा नहीं है वरुण, मुझे तुमसे कोई बात करनी। लेकिन मुझे नहीं करनी है। उस दिन मैं बहुत दुखी हुई, उसके बाद वो अचानक गायब हो गया। अब कौन सी डेस्टिनी हमें फिर से मिलाएगी? वो क्यों गया और कहां गया किसी को नहीं पता। ये भी नहीं पता कि वो जिंदा भी है या नहीं। मीरा की रिक्वेस्ट को तुम्हें कंसीडर करना चाहिए। एक्चुअली लेट हर गो लाइव लुकिंग फॉर हर लव। यू नो व्हाट, वैलेंटाइंस डे के दिन मीरा अपने लवर के लिए एक नॉन स्टॉप लाइव शो करेगी तो बहुत बढ़िया रहेगा। ये कंटेंट बहुत ही यूनिक है, हमारे लिसनर्स को बहुत पसंद आएगा।
एग्जैक्टली यू नो वॉट, अभी तक ऐसा कंटेंट किसी भी एफएम पर नहीं आया है। मैं सच कह रहा हूँ, थिंक अगेन, उसे ओके बोलिए, उसे लाइफ जाने दीजिए। यस, लेट हर गो लाइफ। मैं जो कह रही हूँ वो तुम सुन सकते हो या नहीं? अगर सुन सकते हो तो मुझे कॉल करोगे या नहीं? वरुण, कहाँ हो तुम? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो वरुण? हेलो, आप कौन बोल रहे हैं? हेलो मैडम, आप वरुण को कॉल करने के लिए कह रही हैं, लेकिन अगर वो आपसे प्यार करता तो अब तक कॉल कर चुका होता। शाम को 6 बजे आपका प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। अगर उसने कॉल नहीं किया तो फिर आप क्या करेंगी? अरे 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 अरे, अरे। सॉरी मैडम, ये पागलों जैसी बात कर रहा है। आप इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। नहीं, इट्स ओके। आप उनको फोन देंगे प्लीज? कह रहे, सोच समझ कर बात करना, बात कर। सॉरी मैडम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहन है। मिस्टर मोहन, ये सवाल है डेस्टिनी का और जवाब मैं आपसे जानना चाहती हूँ। अगर ऐसा हुआ कि शाम को 6 बजे तक वरुण का मुझे फोन नहीं आया तो क्या मेरा प्यार मुझे वरुण से वापस मिलाएगा या नहीं? मुझे लगता है इस सिचुएशन में हमें शादी नहीं करनी चाहिए, शादी पोस्टपोन कर देते हैं। बढ़िया ही प्यार करने वाली। पापा, 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 वो मीरा का पूरे दिन और पूरी रात लाइव प्रोग्राम आ रहा है। अगर हम उससे प्रोग्राम में ही बात करने की कोशिश करें? मैं उससे कोई बात नहीं करने वाला, इससे अच्छा तो अपनी जान दे दूं। उसने मेरे बारे में एक पल भी नहीं सोचा और उस लड़के के पीछे भाग रही है। मैं बात नहीं करूंगा, मर गई तो भी बात नहीं करूंगा। बेटी मीरा, सालों से अपनी नौकरी करके मैं बोर हो चुका था, पर तुमने मेरी सोच बदल दी। बेटी, मेरी बेटी तुम्हारी बहुत बड़ी फैन है, उसे ये जानकर खुशी होगी कि मैं तुमसे मिला था। बेटी, एक सेल्फी प्लीज। थैंक यू, थैंक यू। बेटी बेटी, एक ऑटोग्राफ भी दे दो ना मेरी बेटी के लिए। इफ यू डोंट माइंड, इसी किताब पर दे दो। हे, देखा तुमने, ये तुम्हें फिर से मिल गई। थैंक यू मीरा बेटी, थैंक यू। बेटी मीरा, मेरी बेटी का नाम कल्याणी है, ये तुम्हें कैसे पता? What? Really? जुग जुग जियो बेटी, चलता हूँ। मुझे अभी सब कुछ समझ में आ गया है। वरुण के प्लान के मुताबिक तुम दोनों की शादी नहीं होने वाली थी। अब देख क्या रही हो, लव साइंस की किताब ने आकर ग्रीन सिग्नल दे दिया है, वरुण जरूर आएगा। चलो जाओ, जाओ जल्दी जाओ। बाय।
लवर्स, विशिंग यू अ वेरी 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 हैप्पी वैलेंटाइंस डे। वैलेंटाइंस डे लवर्स के लिए बहुत ही खास दिन होता है और उनके लवली गिफ्ट्स वो जो शेयर करते हैं वो बहुत स्पेशल होते हैं। आज मैं अपने प्यार से मिलने वाली हूँ, मेरा वही गिफ्ट है एंड इट्स गोइंग टू बी एन अमेजिंग डे। वैलेंटाइंस डे स्पेशल मैजिक 100। वरुण, आई एम वेटिंग फॉर यू एंड आई मिस यू। अरे वाह बेटा, अच्छी लग रही हो, कहाँ जा रही हो? शादी के लिए जा रही हूँ, मेरी फ्रेंड की शादी है। इस वक्त शादी? हाँ डैडी, वो चर्च में है। ओ समझा, संभल कर जाना, बेस्ट ऑफ लक। सुदेश भोसले। जी सर। इसके मुंह से टेप निकाल। ठीक है सर। तुम कोई गलत कदम ना उठाओ इसलिए तुम्हें सही टाइम पर उठाया। सही टाइम? वैसे आप हैं कौन? मुझे किडनैप क्यों किया है? मुझे बताएंगे प्लीज? तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है तुमने एक लड़की से प्यार किया और अब मुझसे पूछते हो तुम्हें किडनैप क्यों किया। पहले बताओ तुम कौन हो और तुमने क्या सोचकर मेरी बेटी से प्यार किया। आपकी बेटी से प्यार और मैं? एक्सक्यूज मी। हेलो भाई। हाँ बोलो। रजिस्ट्रार ऑफिस के बाहर से बोल रहा हूँ, वो ऑटो से उतर के अंदर जा रही है। ठीक है, तुम उस पर नजर रखो और मुझे अपडेट करते रहो। ठीक है भाई, समझ गया। उसने तुम्हें गिफ्ट दिया था ये तो तुम जानते हो ना, बाइक पर घूमते हो, प्यार करते हो, शादी करने वाले हो, सब जानते हो, लेकिन मेरी बेटी को नहीं जानते, मैं कौन हूँ ये भी नहीं जानते। ठीक है, ये कौन है बताओ? ये तो मैं हूँ। और ये? ये तो रम्या है, उसी ने सेल्फी ली थी। ये सेल्फी लेने वाली का बाप हूं मैं। अच्छा हुआ इसने मुझे किडनैप किया। एक्सक्यूज मी। हाँ बोलो। हेलो भाई, रजिस्ट्रार ऑफिस के बाहर। अरे बार बार हेलो बोलने की जरूरत नहीं, सीधा मुद्दे पर आओ। भाई अब क्या करूं, फोटोग्राफर भी आ गया। अरे फोटोग्राफर को आने दो, बैंड बाजे वालों को आने दो, मीडिया को आने दो, शादी नहीं होगी क्योंकि शादी के लिए जरूरी होता है दूल्हा। भाई मैं समझा नहीं। समझ के करोगे भी क्या, बस मुझे अपडेट करते रहो। कैसे हो मामू, ठीक हो ना? सुना तुमने इसने मुझे क्या कहा? ससुर की बजाय मुझे मामू कहा। ठीक है, राम्या वहाँ 5 बजे तक वेट करेगी, तब तक तुम यहाँ से हिलोगे भी नहीं। उसके बाद राम्या का तुम पर से विश्वास उठ जाएगा, वो सिर्फ मेरा विश्वास करेगी और फिर तुम्हारा खेल खत्म। मामू तुम गुस्से में गलत फैसला ले रहे हो, जब दिल का मामला होता है तो दिमाग से कोई काम लेता है क्या? वाह वाह वाह, सही कहा भैया, मैं तुरंत फोन लगाता हूँ। ये मेरी फीलिंग्स हैं, मेरे दिल से आ रही हैं। सोच लो मामू, अभी तक तो वहाँ पर राम्या की शादी भी हो चुकी होगी, वो भी उसके साथ जिससे वो प्यार करती है। ए सुदेश भोसले, सर ये यहाँ से 1 इंच भी हिलना नहीं चाहिए। बी केयरफुल। ओके सर। टाटा, सी यू, बाय बाय। इसके लिए सॉरी, तेरे बकवास व्हाट्सएप ग्रुप में दोबारा मुझे ऐड किया तो जान ले लूंगा। ए, हाँ? ये टेप इसके मुंह पे लगा। ए भाड़े का टट्टू, चिल मार, मैं यहाँ से 1 इंच भी नहीं हिलने वाला। ओके ए, तू टेप लगा। अरे इसने कहा ना ये यहाँ से नहीं हिलेगा, अब टेप लगाने की जरूरत नहीं, वो नहीं भागेगा। ये ले। पद्मा, तारा कहाँ चले गए सब? कहाँ हो तुम लोग? आप मुझ पर हुक्म चलाना बंद कीजिए, समझे आप? मीरा को सपोर्ट करने हम स्टेशन आए हैं। मेरे डैडी तुम पर गुस्सा हुए इसलिए तुम परेशान हो, पर मेरी बात सुनो। मेरे डैडी की तरफ से मैं तुम्हें सॉरी बोलती हूँ, प्लीज। तुम जहाँ भी हो क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हो? मन बहुत बेचैन हो रहा है, जरा मंदिर जाके आती हूँ। सर के जाने का वक्त हो गया है, अब आप क्या जाने करेंगे? का वक्त तो उन्हें सही से पता है, लेकिन आने के वक्त का क्या? सही बोला। कितनी देर लगेगी आपको? थोड़ी देर और, बस और 10 मिनट रुक जाइए प्लीज। एडजस्ट कीजिए प्लीज। ठीक है, ऑफिस के बाहर खड़ा हूँ भाई, अभी तक दूल्हा नहीं आया।
दूल्हा कभी नहीं आएगा, शादी कभी नहीं होगी। मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ वरुण, और सच कहूँ तो मैं अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। ए सुदेश भोसले, ए अबे तुझे बुला रहा हूँ, ये टाइम पे एफएम सुनना जरूरी है क्या? अबे फेंक उसको। वरुण, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? मैं कब से तुमसे बात कर रही हूँ, क्या हो गया है तुम्हें? हमारा प्यार, हमारा बंधन, इस बारे में सारी दुनिया जानती है, लेकिन शायद ये बात तुम तक नहीं पहुंच पा रही। तुम्हें क्या हो गया, तुम कहाँ चले गए हो? अभी 4:30 बज गए हैं। हमारे प्यार और हमारी जिंदगी का फैसला लेने के लिए सिर्फ 90 मिनट रह गए हैं। अगर तुम 6 बजे तक नहीं आए तो मैं उसके बाद क्या करूंगी, ये सोचकर मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज तुम जहाँ भी हो वापस आ जाओ, वापस आ जाओ वरुण, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। नहीं पकड़ा तो मैं तुम लोगों को मार डालूंगा। किसी भी हालत में उसकी शादी मेरी बेटी से नहीं होनी चाहिए। क्या हुआ जी? क्या हुआ? वो वहाँ से भाग गया। हमारे आदमी किसी काम के नहीं है, काम चोर बेवकूफ। चुप रहिए, इसमें उन लोगों की कोई गलती नहीं है। आप रजिस्ट्रार ऑफिस फोन कीजिए और अपने आदमी को अलर्ट कीजिए। भाई मुझे करना क्या है? सुनो, उसके आने से पहले मेरी बेटी को वहाँ से उठा लाओ। आपका दिमाग खराब है क्या? आपका प्लान क्या है? हमारी बेटी कहीं हमें विलन न समझ ले, ये क्या कर रहे हैं आप? सोचा ही नहीं। अरे सुनो सुनो, मेरी बेटी को कुछ मत करना, उसे वहीं रहने दो, मैं वहां आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। आरजे मीरा को उसका लवर मिला या नहीं, ये जानने के लिए हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इन दोनों की लव स्टोरी में आगे क्या होता है, ये जानने के लिए आप ट्यून्ड इन रहे हमारे रेडियो स्टेशन से और सुनते रहिए इनकी स्टोरी का लाइव शो। तो आप क्या कहते हैं, क्या आरजे मीरा और वरुण मिल पाएंगे या नहीं? सो लेट्स विश हर गुड लक। और दे दो ना सर। हाँ, देता हूँ ना। ये लो। थैंक यू सर। आप कौन? मैं जो भी हूँ, तू जा, निकल यहाँ से। ये कौन है? ओए चुप कर। भाई, मैच नहीं हो रहा। हाँ? ये कौन है? माँ, मैंने इसी से प्यार किया है। तुम्हारी माँ है? मेरी सास। तुम्हारे पिताजी? मेरे ससुर जी। अरे लव बर्ड्स, एंग्री बर्ड्स के ब्लेसिंग ले लो। हे प्रभु श्री महाराज, आशीर्वाद दीजिए। ए सुनो, उसे जाने दो, अब मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं। सर गाड़ी चलाइए सर। कैन आई यूज योर फोन? ये लीजिए। थैंक यू। कम ऑन, पिक अप। टेंशन पार्टी। उस दिन मैं टेंशन में था और आज तुम टेंशन में हो, बात क्या है? बताने के लिए वक्त नहीं है, आप मुझे अर्जेंटली स्टेशन छोड़ेंगे? हाँ, सही वक्त पे पहुंचा दूंगा, टेंशन मत लो। ओके। उस दिन तुमने मेरे साथ जो किया वो मुझे आज भी याद है, और आज तुम्हें उसी हालत में देखकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है। I'm so sorry. It's okay, कोई बात नहीं। Hey!
हेलो, कैसे हुआ डैडी? नथिंग टू वरी, ही इज आउट ऑफ डेंजर। डैडी, डैडी आप ठीक तो है ना? आप ठीक है ना? मेरा वरुण आ गया क्या? नहीं वरुण, नहीं वो अभी तक नहीं आया। डैडी, डैडी बेटा मैंने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया, अपने गुस्से की वजह से तुम्हारे प्यार को नहीं समझ पाया, मुझे माफ कर दो। नहीं 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 डैडी, क्या वरुण आकर तुमसे मिला? नहीं अभी तक नहीं आया है। तो तुम जाओ बेटी, नहीं, नहीं। मैं कह रहा हूँ तुम जाओ, नहीं, नहीं, नहीं। प्लीज नहीं, 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 नहीं। मेरी खातिर। हो सकता है कि शाम के 6 बजे तक वरुण मुझे ढूंढते हुए स्टेशन तक आएगा। वरुण मेरे प्यार को समझ गया होगा। आज तक आप जब भी मुझे मिली है मुझे हर बार चूना लगाया है, आज हिसाब करके रहूंगा। ओ मैडम कहाँ जा रही हो? कॉल को लाइव कनेक्ट करोगे? हाँ एक सेकंड। हे मीरा ऑनलाइन है। हेलो हैदराबाद, अभी 6:05 बाकी एंड बिलीव इट और नॉट, मेरा वरुण मेरे पास ही खड़ा है। कब, कहाँ और ये सब कैसे हुआ ये तो सिर्फ डेस्टिनी जानती है। हेलो मैं वरुण, मीरा मुझे कैसे मिली ना? मैं आपको बताता हूँ। अरे अरे क्या हुआ? अरे अरे ये क्या हो गया? हो गया कौन कौन सा ये तो मीरा का स्कूटी है। ऑटो, एक्सक्यूज मी, अंकल, अंकल। देख करने चल सकते हैं। ये, यस, यस। अगर मैं तुम्हें 6 बजे तक नहीं मिलता तो तुम क्या करने वाली थी मीरा? मैं तुम्हारी जान ले लेती।
आई लव यू मीरा।